नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पॉइंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट और एप्लीकेशन स्टेटस को लेके। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, लगभग एक साल हो गया है आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद दोस्तों, आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में 14 अक्टूबर 2019 को एक नोटिस जारी किया गया था कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। जो एग्ज़ाम आपका जून से लेकर सितंबर महीने में होना था, उसके बाद दोस्तों लगभग 5 महीने हो गया है आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट और एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे आपका आरआरबी एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टेटस कब तक आएगा, उसके साथ साथ एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम शेड्यूल कब तक जारी किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम के ऑफिशियल वेबसाइट में आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट को लेकर जो भी अपडेट आया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही आरआरबी रिलेटेड पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आरआरबी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ द इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम के ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ जो भी अपडेट आया है द इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम के ऑफिशियल वेबसाइट में, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट और एग्जाम शेड्यूल कब तक जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं द इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया हूँ और यहाँ पे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम डेट को लेके बहुत बड़ी अपडेट आ गया है। आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 डेट टू बी रिलीज सून, चेक शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट जो है वो बहुत ही जल्दी रिलीज किया जाएगा, उसके साथ साथ एग्जाम शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड एग्जाम डेट 2020 इन ए रिप्लाई टू एन आरटीआई ऑन मंडे द बोर्ड स्टेटेड दैट द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी फाइनलाइज सून एंड विल बी अनाउंस ऑन द वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे आरआरबी की तरफ से बताया गया कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम डेट है वो बहुत ही जल्दी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी किया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल भी यहाँ पे आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा। आरआरबी इज़ आल्सो प्लानिंग टू हायर एन एजेंसी कंडक्ट द एग्ज़ाम एज ओवर 1.26 करोड़ अप्लाइड फॉर द सेम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 1.26 करोड़ कैंडिडेट ने अप्लाई किए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, जिसके लिए आरआरबी ने एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की हायर कर रहे हैं। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हायर कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद ही आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम शेड्यूल दोनों जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बताया कि आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड एग्जाम डेट 2020 इवन एज कैंडिडेट वेट द डेट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी एग्जामिनेशन, ए रिसेंट रिप्लाई फ्रॉम द बोर्ड ओवर एन आरटीआई मेंशन दैट द एग्जाम शेड्यूल हैज़ नॉट बीन फिक्स येट। ऑन मंडे इन रिप्लाई टू एन आरटीआई फील्ड बाई कैंडिडेट द बोर्ड स्टेटेड दैट द डेट विल बी फाइनलाइज सून एंड अनाउंस ऑन द वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, एक आरटीआई रिप्लाई में जो बताया गया कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का डेट जो है वो बहुत ही जल्दी फाइनलाइज किया जाएगा और बहुत ही जल्दी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में भी अनाउंस कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि आप सभी को पता है, आरआरबी रेलवे की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की खोज चल रहा है और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेके सितंबर में एक नोटिस जारी किया गया था कि आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए एक टेंडर जारी किया गया है। उसके बाद फिर आरटीआई रिप्लाई के थ्रू बताया गया कि आपका अभी तक टेंडर जो है जारी नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों अभी तक क्या सच है जो आरआरबी की तरफ से कुछ बताया नहीं जा रहा है आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में कि आरआरबी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टेंडर किसको मिला है, कौन सा कंपनी को मिला है, इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आरआरबी की तरफ से हो सकता है कि किसी भी दिन किसी भी टाइम पर आरआरबी की तरफ से यहाँ पर आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में एनटीपीसी के एग्जाम डेट और एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बताया गया कि अर्लियर द रिक्रूटमेंट एग्जाम और शेड्यूल टू बी हेल्ड इन सेप्टेम्बर बट द बोर्ड फेल्ड रिपीटेडली टू कंडक्ट इट। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, द बोर्ड इज इन द प्रोसेस टू इन्वाइट एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी व्हिच विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन। द ईसीए शुड बी इन ए पोजिशन टू होस्ट ओवर ए लैक कैंडिडेट इन ए सिंगल शिफ्ट। एज पर द बोर्ड सीम्स ओवर 1.26 करोड़ एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड बाय द रेलवे फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, 1.26 करोड़ कैंडिडेट का एप्लीकेशन यहाँ पे आरआरबी को मिला है, जिसके लिए दोस्तों हर एक शिफ्ट में 1 लाख का कैंडिडेट का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ऐसा कोई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी की आरआरबी खोज कर रहा है। जैसे ही आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद ही आपका दोनों एग्जाम का एग्जाम शेड्यूल और एग्जाम डेट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप द इंडियन एक्सप्रेस के डॉट कॉम के ऑफिशियल वेबसाइट में जो भी अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही आरआरबी रिलेटेड पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।